आपने सुना था ना बिग बॉस ने क्या बोला? क्या? जब टास्क शुरू होने से पहले उनके पास बहुत पैसा है रे, तू किसको बोल रहे? अरे नहीं मैं वैसे मैं बताने नहीं वाली। बोलो नहीं अभी, बोलो नहीं। ओके एक काम करते हैं। ओके नहीं बोलो नहीं, तुम यहाँ से बाहर जाएंगे ठीक है, वो मैसेज पे दिखा दूंगा कितना है, वो आता है ना बैंक का। ब्रो तू इतना शान है तू कि दूसरे अकाउंट भी दिखा रहा है, पादराला अकाउंट बताएंगे जिसमें 7,000 रुपए रखे ले बोले तू भी इतना घर। वो नहीं चार घर है वो बताओ ना, चार घर किसने बोला ये? चल मुंबई के दो फ्लैट है ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होटल में रहते तुम लोग 4 साल से। ऐसे सब मत बोला करो तुम लोग ना, मेरे को बहुत ऐसे वो फील, और तुम मेरे को फील कराते हो। तो तुम जो करोड़ों की ज्वेलरी लेके बैठे हो तो मैंने कमाई ले क्या कमाया मैंने हक से? मैंने भी तुमने जो बात करे वो ये तो बहुत अमीर है, तो फिर तुम मेरे को जब मैंने अमीर का बोला यार तू यार कैसे कपड़े पहनता पूरे सीजन बोले तुमने, तो फिर उसका क्या? लोग क्या सोचते होंगे जिसके पास खुद डायमंड पहने हुए हैं जिसने, उसको मैं क्या बोलूंगा? पर उनको मालूम है उसके लिए बहुत छोटा है। क्या छोटा है भाई मेरा, अभी तक घर नहीं है। जूता खरीदना? अरे भाई वो मैं वापस से बेचता। अरे वो ठीक है पर अच्छा पहना, मैंने कब बोला कि तुम ये क्यों नहीं बोलते कि तू वापस से बेचता? आपको जैसा भी फील हो रहा है उसको भी वैसा फील होता है देवन से जब आप उसके कपड़े यार तेरे नहीं, पर सभी लोग करते तेरे साथ में। नहीं ब्रो नहीं, सब लोग ऐसे नहीं। कौन करा? कभी करा? बट यू आर अ स्टाइल स्टेटमेंट ऑल टुगेदर। पैसे की थोड़ी बात करते हैं अपन लिए, पैसे का थोड़ा ना बोला मैंने। मैं बोला क्या हर डे वन से ऐसा बोला क्या भाई तुम 55 लाख की घड़ी पहनते हो क्या ब्रो? चार घर मैं कहाँ पहनता हूँ वो मेरा शालीन अंडरस्टैंडिंग। अरे वो तो इधर सीन है, रियल और फेक का सीन है। मैं सब दिखाता हक से कमाई ले जा किसको बोलता बोल, तुम लोग घर पे छोड़ के आए ले। डे वन से सोच रहे ब्रो वालिब क्या है पता नहीं इनके, तुमको क्या मैं को लाने का था बीच में? सॉरी ब्रो। अरे मैं उकाई को लाने का था लेकिन बीच में मैं को नीचे दिखाने का हर बार। आई एम सॉरी। क्या ब्रो इधर भाई देवल से बोल रहा, मेरा भाई जितना मांगता कौन भी रहने दे। तो इतना हाइप क्यों हो रहा है भाई? अरे शांति का गेम मत खेलो मेरे साथ हाइप करके। ये जो प्रियंका के साथ में भी खेले ना तुमने गेम हाइप करके, उसको मेरे को हाइप करके, सबको हाइप करके खुश शांत हो रहे और इनोसेंट बन जा रहे, लोगों को सब दिख रहे भाई। ये ट्रिप मत खेलो मेरे साथ में ठीक है? अभी अभी ये खत्म करते चलो चल। अरे पर मेरा किधर से टॉपिक आ रहा था कल ब्रो, मैं तेरी बात कर रहा, मेरा बोले मेरे को काई को नीचे दिखाने का है, नहीं करता जाना बाबा मेरे को जीतने को कुछ भी नहीं करने का है मेरे को। मेरे पास बहुत है ठीक है हाँ, हो गया हाँ, बहुत बस ठीक है, तो अब अपने दिमाग से चले। आपको वो डिमोटिवेट मत करो, मैं नहीं कर रही अपने आप को डिमोटिवेट ठीक है, आप अपने दिमाग से चलिए। नहीं किया मैं तो रात, मैं दिमाग से चल रही हूं ठीक है। ये भी किया करो हाँ, आप ये मेरा एक्स्ट्रा, आपने और भी कुछ किया ठीक है, ध्यान रखो, कुछ किया है ध्यान रखो हाँ ठीक है। तो तुम अपना चेहरा, क्योंकि मुझे किसी को अपने वार दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने है। आपको आदत है ना भोपाल बनाने की और फिर निकलते हो। मेरी आदत पता क्या है, मैं बोलने में बिलीव नहीं करती, मैं करने में बिलीव करती हूँ। और आप बोलने में ज्यादा बिलीव करते हो, करने में होते हो खुश होते हो करने में ठीक है, करने में होते तो फिर ना जाते। अगर मैं तो अपना खाना खा रही थी पहले से, मेरे तो दिमाग में कुछ था ही नहीं। आपकी तरह भोपाल बनाने की मेरी आदत है अच्छा ठीक है, अभी भी फिर बनाया मैंने, इनके चेहरे पे हवाइयां निकल गई है। और करने दे, करने दे, कुछ करने वाला मेरा दिमाग है ना, और ये टास्क मेरे दिमाग से ही चल। अरे अभी तक तो नहीं, अभी तक तो सारे टास्क मैं जीती हूँ, तुम ही लोग फुस हुए हो। स्टैनी कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। आ, मर भी गया तो मैं छोड़ूंगा, बस यही चाहिए। अब आएगा मजा देखा, इसे कहते हैं डबल दिमाग। दो के पैकेट छुपा के तुम क्या सोचे कि तुमने हमें हरा दिया? नहीं नहीं, हमने हमारा काम किया, तुमने तुम्हारा काम किया, बाकी भगवान ने दिया सब कुछ है, क्या चाहिए। आक्रमण आप लगाओ हल्दी का तिलक। तो तू जा गया, हमने गया इधर ही है। कल क्या कर रहे थे? ए मेरे आंख की, तो क्या हाल है? कल क्या किया था फिर? ए ए शाली भाई मेरे आंख की पे गई ले हां हल्दी, ये पागल ने मेरे आंख पानी दो। आग बंद कर, आग बंद रख, आग बंद रख, पानी पागल ही कर ये जरा, आग बंद रख।
क्योंकि पानी डाला मैंने तो फिर तेरी पानी दो मैं। अरे भाई पूरा आग के पे गई है, देख जल रही ब्रो। हाँ, हमारे भी जल रही थी का। कोई बात नहीं, ये बर्फ की मछलियां कब काम आएंगी? अगर निमरत जरा सा भी आपको लगे तो आप बोलो, मैं उसी वक्त रुक जाऊंगा। ऑफ कोर्स डेफिनेटली, बहुत तेज बने भैया। अर्चना बिल्कुल पैर को हिलाओगे नहीं? अर्चना वो शिफ्ट पर नहीं जाएगी, बिल्कुल खाना क्यों वेस्ट कर रही है? हटाओ उसको, मत कर अर्चना, ये सब मत कर। खेलना है ना, जिग रहा है ना ब्रो, तो सीधा खेलो। ये क्या मच्छी मच्छी मटर चिकन जो कर रहे हो ना, बर्फ फेंक के तुम खाना जो वेस्ट कर रही है ना, खाना पैर में बहुत अच्छे से अभी बोल रहा। नहीं नहीं साहब, बर्फ फेंक के तुमने, ए अरे वो खाना है पागल, बर्फ फेंक के ना, कोई बात नहीं, प्रियंका एक मिनट रुक जाओ बस। तुमने मेरे को बोला था कि अनाज की कीमत करना सीख, तो भाई तुम खुद करके देख लो। धीरे धीरे बात प्लीज, आपको लगा ए पानी दे दो, पानी दे दो हाथ में, क्या ए मैं मार क्या ये ले, लोग ने बहुत गलत करे ले ब्रो, मुंह पे नहीं नहीं मारा था मेरे भी मारा था। मत करी साहब, आग बंद रख, आग बंद रख। वो आग की में डाल रही है पूरा, इसको बोल जल्दी आग में ना डाल। अरे मुंह में क्या डाल रही है, अभी समझ ले तुम लोग क्या कर रहे, मसाले वगैरह डाल रही है यार, आग के अंदर नहीं डाल रहे यार क्यों निकल रहा है यार, अब क्या करे, कोई मैं यही करते हाव वगैरह करे, चाय बनाए। कार्य फौरन रोक दीजिए आप सर। फोन रोक दो। वैसे तो ये वक्त था, आखिरी 15 मिनट बचे हैं इस बात की घोषणा करने का, लेकिन टीम बी को बार बार सचेत किए जाने के बावजूद कभी उनका मत तो कभी बाल्टी विरोधी टीम के सदस्यों को लगती जा रही है, इसलिए मैं ये कार्य यही समाप्त करता हूं। क्योंकि दोनों ही टीम्स एक भी विरोधी को इस कार्य से बाहर करवाने में नाकामयाब रही, इसलिए यह कार्य टाई होता है। क्योंकि दोनों टीम्स बराबरी पर रही और कोई भी टीम अपना प्राइज मनी बढ़वाकर 50 लाख नहीं करवा सकी, इसलिए आप सबका फाइनल प्राइज मनी 21,80,000 ही रहता है। यानी कि अब कोई भी शो जीते, आधा टाइम सिर्फ बाल्टियां भरी हैं और 3 बाल्टियां भरी हैं। गलती से लगी सुंबल, डोंट डू दिस टू मी यार। I'm not talking to you. बस। And I never want to talk to you. नहीं, don't talk to me. But जो सही है वो सही हो। मेरे को मिलना भी नहीं है। नहीं, मत मिलो। बहुत दूर की बात है। मत मिलो, क्योंकि मैंने तुमको बच्चा बोल दिया। सॉरी, पर मैं तुम मेरे को पता नहीं क्या बोल रही हो, क्या क्या मेरे को कंटिन्यूसली बोल रही हो, वो चलता है। क्या मैंने कोई भी गलत शब्द बोला था? है ना, पलटू हो, ये हो, वो हो, क्यों बोला? अरे दिख रहा है, अरे रात में दिखाती हूँ तुमको। हाँ, तो तब तक मैंने तुमको बोला, मैंने कोई गलत शब्द बोला था? कोई गलत शब्द बोला? मैंने काली कुछ गलत बोला है क्या? क्या बोला मैंने? बोला बच्चे यार, तुम मेरे को तुम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहीं कुछ गलत बोला क्या? कुछ नहीं, आपने कुछ गलत ना नहीं बोला। नहीं यार, तुम बोल, हर बार का तुम्हारा है यार। नहीं, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूं भाई, मुझसे भी हाथ जोड़ लो बेटा, मुझसे ना भिड़े। और दोबारा मैं तुमसे, तुमने बोलना चालू किया मेरे को, मैंने नहीं बात की तुमसे, खुद बिलो द बेल्ट का गाना, मैंने नहीं बात करी, तुमने बात करनी चालू कर, तुमने कल गाना चालू किया था कि बिलो द बेल्ट जा रहे हो, बिलो द बेल्ट जा रहे हो। तो मैं कहां कोई बिलो द बेल्ट गया हूं? दिख रहा है, अगर हाथ में डिटर्जेंट था, बाल्टी फिसल रही थी, तो हाथ धोना था ना? अरे तो धोया ना कितनी बार? सर फोड़ दो क्या? एक सेकंड, अगर ऐसा होता तो बिग बॉस मेरे को बोलते। बात नहीं करनी यार। क्या कह रही थी अर्चना अभी? वो कह रही थी कि बिग बॉस से राशन के लिए भी कह देना कि खत्म हो गया राशन, कुछ भी नहीं बचा बिग बॉस, ना चावल ना आटा।
अभी अभी मैंने आपकी टीम के एक सदस्य अर्चना के मुंह से कुछ सुना कि आपने अच्छे से कार्य नहीं किया, जिस तरह से आप खेली उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। एग्जैक्टली क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरी तरफ से मैंने सही किया, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, पर अगर उसे लगा कि हाँ मैंने ज़्यादा, शायद उसकी तरह मैंने हल्दी वल्दी नहीं उड़ाई या जो भी चीज़ें थी वो सब नहीं किया, तो उसे लगा होगा मे बी, लेकिन बिलो द बेल्ट मैं नहीं जा सकती। चिकन और फिश जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका क्या हुआ? फंडामेंटली आपको ये सही लगता है क्या, किसी कार्य में खाने की चीज़ों को इस्तेमाल करना? नहीं, बिग बॉस वो मैंने भी कहा था कि मत डाल खाने का सामान करके, उसने बोला कि बर्फ नहीं है, मैं तो डालूंगी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या फिश और चिकन का? तो कुछ नहीं हुआ, वेस्ट हुआ। अब मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो सबसे पहले पूछा था। जी। कन्फेशन रूम में जब आप आ रही थी तो अर्चना ने आपसे क्या कहा, क्या मांगने को कहा? राशन मांगने को कहा, जिसे उसने कार्य में वेस्ट किया। बस यही कुछ हमारे सवाल थे, हमें पता था आपसे हमारे जवाब मिल जाएंगे, इसीलिए आपको बात करने के लिए बुलाया था। थैंक यू बिग बॉस। अर्चना, किनोवा क्या सबके लिए काफी नहीं है? नहीं बिग बॉस, कुछ भी नहीं है बिग बॉस। राशन, वैसे तो आज राशन का दिन है, लेकिन आज का कार्य देखकर मुझे साफ साफ नजर आ गया कि कैसे आप भले ही काफी चीजों को मिस कर रहे होंगे लेकिन राशन की आपको कोई कमी नहीं है। अरे है बिग बॉस, डाली उसने मछली डाल दी ना कपड़ों में। हाँ। और डालो तुम मछली। तुम्हें आज अपना और ऑडियंस का कीमती वक्त राशन की खामखा की एक प्रक्रिया करके भला क्यों बर्बाद करूं? बिग बॉस प्लीज, बिग बॉस। इसलिए ये अनाउंसमेंट सिर्फ आपको एक सूचना देने के लिए है। क्या? और वो सूचना ये है कि आज राशन का कोई कार्य, कोई प्रक्रिया या शॉपिंग नहीं होने वाली। सही है। और डालो मछली यार तुम कपड़ों के अंदर। अन्न की कदर और डालो मछली टास्क में। बताओ अभी हमारे को बोले वेस्ट कर रहे खाना, वेस्ट कर रहे खाना, खाना नहीं है खाने को यहाँ पे।